करण जौहर की फिल्म शुद्धि को ऐसी नजर लगी है कि करण को अब अपनी इस फिल्म के लिए हवन करवाना पड़ सकता है। जी हाँ, करण को अब तक इस फिल्म के लिए लीड एक्टर नहीं मिल पाया है। सबसे पहले ऋतिक रोशन के इस फिल्म से ऑप्ट आउट करने के बाद रणवीर सिंह का नाम इस फिल्म के लिए सामने आया था, लेकिन अब तक इस न्यूज पर कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई। और अब सोर्सेज से खबर आ रही है कि फिल्म के लिए बॉलीवुड दबंग सलमान खान को अप्रोच किया गया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि करण जौहर ने सलमान खान को इस फिल्म में काम करने के लिए अप्रोच किया है। इस न्यूज को लेकर अब तक कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है। वैसे इस न्यूज को कन्फर्म करने के लिए जब हमने शुद्धि के डायरेक्टर करण मल्होत्रा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑन कैमरा कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। करण मल्होत्रा का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि अभी उनकी फिल्म का एक्टर कौन है और इस इशू को लेकर पहले ही बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है। ऐसे में वो चाहते हैं कि खुद करण जौहर ही इस फिल्म के एक्टर का नाम अनाउंस करें। साफ है कि एक्टर को फाइनलाइज करने को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि करण जौहर 2015 की अपनी रिलीज डेट पर इस फिल्म को कम्प्लीट कर भी पाएंगे या नहीं। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई।